आपके मार्केट को कोई तकलीफ नहीं होगी, आपके चीज के टेस्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट और अच्छी बनेगी और उसमें आपका न्यूट्रिशन वैल्यू भी जाएगा जो अल्टीमेटली आपके बिजनेस को बेनिफिट करेगा। हम किस प्रकार से नई चीजों को करें उस पर हमें सोचने की आवश्यकता है। हमने जो इनिशिएटिव लिए हैं कुछ चीजों पर हमें मान के चले कि दुनिया में बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादकता पर बल दिया जाता है, हमें भी जमीन कम होती जा रही है, परिवार विस्तृत होते जा रहे हैं, एक एक परिवार में जमीन के टुकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें पर एकड़ उत्पादकता कैसे बढ़े उस पर बल दिए बिना हमारा किसान सुखी नहीं हो सकता है, हमने वो देना पड़ेगा। पिछली बार मैंने मेरी एक मन की बात में कहा था किसानों से कि देश को पल्सिस और ऑयल सीड्स की बड़ी आवश्यकता है, तिलहन और दलहन। देखिए मैं इस देश के किसानों को जितना नमन करूं उतना कम है, उस बात को उन्होंने माना और इस बार अभी तक जो खबर आई है कि रिकॉर्ड ब्रेक शोइंग दलहन और तिलहन का हमारे किसानों ने किया है, वरना वो क्रॉप चेंज करने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने माना कि भाई देश को जरूरत है, चलिए हम बाकी छोड़ देते हैं, इस बार दलहन और तिलहन में चले जाते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में, शायद मुझे लगता है डेढ़ गुना हो जाएगा, दो गुना। अब ये मैं समझता हूं कि अपने आप में और भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्टों ने और प्रोग्रेसिव फार्मर्स ने और गवर्नमेंट एक बैठकर के तय करना चाहिए, भारत जगह कृषि प्रधान देश है, हम तय करें कि एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी चीजें अभी भी हम इंपोर्ट करते हैं और हम तय करें कि फलाने फलाने वर्ष के बाद हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे किसान को ये काम के लिए हम प्रेरित, हम टारगेटेड काम करना पड़ेगा जी, तब जाकर के हमारे किसान को आर्थिक रूप से लाभ होगा, अगर वो नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। आज भी अगर कृषि प्रधान देश को 5-स्टार होटलों में कुछ सब्जियां विदेश से मंगवानी पड़ती है, हमारा किसान भी तो तैयार कर सकता है, उसको जरा ज्ञान मिल जाए, पद्धति मिल जाए, वो कर सकता है।